वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ जागृति विहार निवासी युवक यश रस्तोगी की हत्याकांड में सांप्रदायिक तनाव फैलता देख पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस का आज हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह संगठन के माध्यम से राजनीति नहीं बल्कि हिंदू समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। यदि आवाज उठाने वालों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो वे इसका विरोध करते हैं। इन लोगों ने यश रस्तोगी के हत्यारों पर राशुका लगाने की भी मांग की। दरअसल 26 जून को जागृति विहार निवासी यश देर रात तक भी घर नहीं लौटा था। पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। करीब 6 दिन बाद यश का शव ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के नाले से बरामद हो गया था। पुलिस ने 3 हत्यारे दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद से तनावपूर्ण माहौल हो गया था। इस पर हिंदू जागरण मंच के सचिन चौधरी समेत तमाम लोगों को इस आशय के नोटिस जारी कर दिए थे कि यदि उन्होंने यश हत्याकांड को लेकर कुछ भी ऐसा किया जिससे शहर का माहौल खराब होता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज इसके विरोध में ही यह धरना प्रदर्शन किया गया। देखिए, हथियारों पर राशुका लगाओ, राशुका लगाओ, पुलिस प्रशासन हिंदुओं की आवाज दबाना बंद कराओ, जिसके ऊपर लगे आरोपियों की नहीं सहेंगे। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने यह कहा। सिरोही महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मेरठ महानगर, हमारी मांग है जो हिंदू संगठनों पे जिस तरीके से मेरठ का पुलिस प्रशासन नोटिस भिजवा रहा है, मुकदमे लिखवा रहा है, किसकी अनुमति से मुकदमे लिखे जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुकदमे लिख रहे हैं, लिखवाने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि किसी भी अनुशासनी संगठनों को जो हिंदू समाज के लिए हित में कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है तो एक नहीं 1000 मुकदमे लगा, कोई दिक्कत नहीं। किस पे मुकदमा लिखा गया? हमारे ऊपर पहले 2 मुकदमे लिखे गए, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा, समाज के लिए लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, आप मुकदमे लगाते रहें। इस बार भी आप ये बताइए, श्रद्धांजलि में जाना, जो यश का जो प्रकरण चल रहा है उसमें अगर हम श्रद्धांजलि में चले गए उसके परिवार का सहयोग देने के लिए तो हम लोगों के खिलाफ, हिंदू जागरण मंच के खिलाफ, विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ और भी जो बजरंग दल और भी जो कार्यकर्ता हैं, उन जो सामाजिक 6-7 लोग हैं उनके खिलाफ नोटिस देके आप क्या चाहते हैं? हम समाज की लड़ाई ना लड़े, समाज के साथ खड़ा होना बंद कर दे? इतनी निंदनीय घटना, विधर्मी घटना कर रहे हैं और हम समाज के साथ नहीं खड़ा कर होंगे तो बताओ कौन समाज के साथ खड़ा होगा? संगठनों पर मुकदमे लगाए जाएंगे, इस तरीके से आवाज़ हिंदुओं की दबा दी जाएगी क्या? आप ये बताइए, मुझे नोटिस दिया गया है, किस चीज़ का नोटिस दिया गया? आप इनसे ये पूछिए कि अनुच्छेद 19 पढ़िए, उसके अंदर जो नोटिस इन्होंने दिया है क्या मेरे ऊपर वो नोटिस बनता है? मैं वहाँ गया श्रद्धांजलि के अंदर, और भी कई लोग लगे और एक संगठन के तो व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था। क्या नोटिस? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, उसके परिवार जन संतुष्ट नहीं है। उसके परिवार वालों ने कहा कि जिस समय मामला खुला उस समय सीओ साहब ने कहा हम आपको ऐसी ऐसी सच्चाई दिखा देंगे जो आप शर्मिंदा हो जाओगे, शर्म से पानी हो जाओगे। अरे तो दिखाई क्यों नहीं उसके परिवार को? दिखाइए ना, आपके पास अगर एविडेंस है उसके परिवार को संतुष्ट करिए, सबको संतुष्ट करिए, थोड़ी विधर्मी मारेंगे, उनके कहने के अनुसार आप घटना खोलोगे। आप ये बताइए 40 लोगों का उसके अंदर जो आपका ऐप है जिसमें 40 लोग बताए हैं कि 40 लोगों ने जो है शिवलिंगता का ग्रुप है, 4 आरोपी पकड़े गए, 5वें यश को दिखा दिया गया, 35 लोग का है, उसकी जाँच चल रही है। जब इतनी जल्दी जाँच का खुलासा हुआ नहीं पूरी, इतनी जल्दी वर्जन देने की अधिकारियों को क्या आवश्यकता थी? माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन देने आए हैं DM द्वारा, और इसके अंदर हमारी जांच मांग सिर्फ इतनी है, एक तो हिंदू संगठन जो हिंदू हित में कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे, फर्जी लगाना, उन्हें दबाना, आवाज़ को दबाना, हिंदुओं की, हमारी नहीं, ये हिंदू समाज की आवाज़ जो हम उठाते हैं उसे दबा रहे हैं। और मेरा मानना है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ऊपर से अगर उन्होंने कोई आदेश करा वो आदेश करें कि अगर कोई हिंदू संगठन फर्जी मुकदमे अगर जो है प्रशासन लगा रहा है तो ऊपर से मुख्यमंत्री जी कह देना कि फर्जी मुकदमे जो है हिंदू संगठनों पर लगाओ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।